जो ना को लाइव जो बता रहे हैं पे यहाँ पर रश हो गया ऑयल टैंकर्स की तरफ से जो प्रोटेस्ट किया गया था बता रहे हैं आप देख सकते हैं कि अपनी टंकी जो है वो पूरे तरीके से फुल कर ली जाए ताकि आने वाले समय में उन्हें दिक्कत ना मिले, जब तक हो सके उनकी टंकी जो है वो फुल रहे। ये हालात आपको हम जम्मू से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए अब आम जनता की लगातार बढ़ने वाली है। देखना होगा कि जो बातचीत का दौर कहाँ जा रहा है, क्या लोग जो है पेट्रोल पंप पर मौजूद है और पेट्रोल यहाँ पर भरवाने की जल्द से जल्द पहुँच रहे हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि 72 घंटे तक जो है पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। आखिरकार वेयर हाउस में जम्मू के वेयर हाउस में पब्लिक सफर कर रही है इसको उसका ध्यान देना चाहिए, पब्लिक जो सफर कर रही है तो इसका ध्यान देना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसका कहना और भी यहाँ पर बातचीत करिए, क्योंकि यहाँ पर लोग जो है लगातार पेट्रोल भरवाने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो आपको तस्वीरें दिखा दूँ कि गाड़ी वाले टू व्हीलर फोर व्हीलर यहाँ पर पेट्रोल भरवाने में नजर आ रही है। कहा जा रहा है कि 72 घंटे तक जो है पेट्रोल पंप बंद रहेंगे और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो लोग हैं, क्या नाम है आपका? तो जैसे कि कहा जा रहा है कि 72 घंटे तक पेट्रोल पंप बंद रहेंगे, कितना आम जनता को सफर होना पड़ेगा इससे? हमें इसका नॉलेज नहीं था कि पेट्रोल पंप बंद रहेगा, लेकिन यहाँ आज हमने सोचा था ऐसे रूटीन पेट्रोल पंप में आया था, तो यहाँ पे हमने देखा कि बहुत रश हो रहा है। तो मैंने भी उसमें बोला यार आज बहुत रश चल रहा है, क्या बात है? बोला कुछ ना कुछ ऑफर होगा ऐसा हमने सोचा। अच्छा, आप ये देखने से कि ऐसा मसला है जी, हम खुद परेशान हुए थे, एक घंटा हो गया लाइन में बैठे, एक घंटा हो गया आपको लाइन में। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक घंटे से लाइन लगे हैं। मैं तस्वीरें पहले दिखा दूँ कि किस तरीके से जो लोग हैं, पेट्रोल पंप की तस्वीरें हैं, और ऐसे कई पेट्रोल पंप होंगे जहाँ पर इससे ज़्यादा रश भी हो सकता है। लोग चाहते हैं जल्द से जल्द जो है पेट्रोल भरवाएँ, मगर 72 घंटे तक पेट्रोल पंप बंद रहेंगे, उसको लेकर जो आम जनता है वो काफ़ी ज़्यादा सफर का ऑयल टैंकर्स की बात करें, वो भी लगातार ऑयल टैंकर्स वाले प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, और यहाँ से ट्रांसपोर्टर भी वेयर हाउस का भी इनकी जो है मीटिंग चल रही है, सीजन का सामने आता वो भी आप तक जरूर रखेंगे। और आप भी अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखेगा इस वीडियो को देखने के बाद। पेट्रोल पंप के बताने हैं कि जहां पर पत्रकार की जो हड़ताल की गई है, आप देख सकते हैं किस तरीके से काफ़ी लाइनें लगी हैं, पेट्रोल रोड जो डलवा रहे हैं आप देख सकते हैं किस तरीके से। यहां पर आपको हम लाइव व्यूजर बता रहे हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से बोला कितनी बड़ी संख्या में, जैसे ही लोगों को ये जानकारी होती है कि देखिए ये स्ट्राइक जो है वो एक्सटेंड हो गई है, ये जो हड़ताल है वो आगे उसको बढ़ा दिया गया है, तो लोग आनंद फानंद में अपने घरों से निकल जाते हैं। और इस तरह की तस्वीरें सामने निकल कर आती हैं कि लोग जो है अब पेट्रोल भरवाने के लिए यहाँ पर निकल आए हैं। जो लोग पहले 100 का पेट्रोल भरवा रहे थे, अब वो एक ही बात जो है वो 500 का पेट्रोल टैंकी फुल करवा रहे हैं। ये बड़ी बात है यहाँ पर, लेकिन ये जो हड़ताल है वो कब तक चलेगी अभी फिलहाल तो अंदेशा नहीं है। पूरे भारत में 3 दिन का यहाँ पर अवधि दी गई है और समय सीमा 3 दिन बताई गई है, लेकिन जम्मू में आज जो है कहा जा रहा है कि हड़ताल एक बार फिर से एक्सटेंड हो गए, जिसके बाद हमारी बस जम्मू में मंजूर की स्थिति का सामना
हर एक जनवास से समय कर रहा है। सब तीन दिन की हड़ताल क्या कहना चाहेंगे? गवर्नमेंट को अगर सरकार की जाती है तो बहुत सारी ऐसी सेक्टर सर्विस है जिनको मुद्दे में रखते हुए देखना चाहिए। तो रिगार्डिंग जो देखना जो करने से ना हो जैसे हेल्थ सेक्टर के लिए जो एम्प्लॉइज हैं और सेक्टर सर्विस में जो एम्प्लॉइज हैं उनके लिए कितना एक कौन से बनवाएंगे गवर्नमेंट को देखना चाहिए।